प्रणव भाई जी आ गए पहाड़ को कुछ दिन के लिए छुट्टी लेके इधर। तो भाई कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत सही है ना। एयर बैग खुलने पे सीधे मुंह पे, तो उन्होंने इधर कर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ओ यार, एक और दिन, एक और ब्लॉग, और हम एक सेकेंड यार, एक और दिन, एक और ब्लॉग। तो हम निकल गए हैं अपने फ्रेंड से मिलने। यार उसको बड़ा मन था कि यार यार गाड़ी चलवाइए ज़रा, इलेक्ट्रिक गाड़ी, हम भी देखें कैसी होती है। तो बस उसका रिस्पॉन्स देखने हम निकल गए अपने घर से। तो वो ज़्यादा दूर नहीं रहता हमारे घर से, मोहकमपुर साइड रहता है। तो बस मोहकमपुर से निकल के थोड़ा आगे जाएंगे टूल तक, और थोड़ा और अगर उसको मन करेगा तो ट्राई कर लेंगे अंदर ही अंदर। तो अभी हम निकल गए यार अपने घर की तरफ से, और आज कल थोड़ा सा 10-12 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई थी, तो वही 95% है अभी बैटरी, और अभी तो चल ही सकती है आराम से यार कहीं भी देहरादून में। तो यार एसी ऑन कर लेते हैं, और एसी ऑन करते ही हमारी 20 किलोमीटर की रेंज ख़त्म हो गई है। तो 95% हमारी बैटरी है और 211 की रेंज है, इतना तो हम पूरा देहरादून घूम ही लेंगे। एक चार्ज में तो पूरा देहरादून घूम सकते हैं आराम से। देहरादून देहरादून की बात कर रहा हूँ, मसूरी वसूरी की बात नहीं कर रहा हूँ। मसूरी जाके भी आ सकते हैं वैसे, बट एक ही शॉट, मतलब एक ही जगह, या तो मसूरी मेन मसूरी जाओ, वहाँ थोड़ा सा घूमो और वापस आ जाओ, या फिर थोड़ा सा घूम के आप वापस आ जाओ। तो यार मैंने डैश कैम करके रिकॉर्ड इसलिए करना चालू कर दिया है, यार एक भाई थे उन्होंने कमेंट कर दिया था वीडियो पे कि भाई यार एक हाथ से गाड़ी चला रहे हो ना, यार भाई बुरा लग गया। तो मैंने अब दोनों हाथ मेरे स्टेयरिंग पे हैं, और देखे तो अब सेफ गाड़ी चला रहे हैं, और पैच भी हमने पहन ली है। हर 2-3 दिन बाद हेल स्ट्रॉम, हैवी हेल स्ट्रॉम। प्रणव भाई जी आ गए पहाड़ को कुछ दिन के लिए छुट्टी लेके, इधर छुट्टी लेके टेस्ट ड्राइव करने गाड़ी की। ड्राइव करने आज पहली टेस्ट। तो यार आज तो बहुत भीड़ है, सब घर जा रहे हैं या तो सब देहरादून ही आ रहे हैं, बहुत भीड़ हो रखी है। मंडे की भीड़ यार 12 बजने वाले हैं, अब किस चीज़ की भीड़, छुट्टी नहीं पड़ी अभी तक। मंडे। तो यार मैं थोड़ा डिटेल भी दे दूं भाई को। एक तो भाई इसमें ना रीजन चलता है, ठीक है ना, रीजन। हाँ, जैसे मैंने एक तो पहले यही कि ब्रेक दबा के सब चलेगा, ठीक है, न्यूट्रल से ड्राइव पे भी सब उस पे चलेगा, क्या बोलते हैं, ब्रेक पे। अच्छा, ये मोड चेंज करने के लिए बेल्ट आपको पहले पहननी पड़ेगी, इधर भी सब जगह। अब तो इससे जो नहीं है वो पीछे वाली में भी, जैसे मारुति की जिमनी विमनी है उसमें पीछे भी का इशू है। तो ये बस जो होती है गियरलेस गाड़ी, उसकी तरह एक्सीलेटर देते रहो। लेकिन इसमें क्या है ना, रीजन से क्या है, बैटरी चार्ज होती रहती है। अच्छा, तो जैसे अगर अभी देखियो यहाँ ये ड्राइव पा रहा ना, तो जैसे मैं छोड़ूंगा तो रीजन चलने लग जाएगा, तो गाड़ी के अंदर एक थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक ना खुद से लगने लग जाएगा। Okay. तो उसका आदि होना पड़ता है इसमें, बाकी तो सब सेम है। तू ब्रेक मारना चाहे ब्रेक भी मार ले, लेकिन फिर तू ब्रेक मारेगा फिर इधर रखेगा, उससे पहले क्या है कि जैसे तुम देख ले कि आगे रुकी हुई, तो रीजन मारेगा ना थोड़ी थोड़ी देर में। अभी जैसे अभी तो इसकी परसेंटेज हाई है बैटरी में, तो अभी इतना नहीं चलता, लेकिन जैसे जैसे 80-85 पे आ गए तो रीजनरेशन ज़्यादा होती है। तो वही है भाई। तो अब अभी हम जा रहे हैं थोड़ा लोहे वाला साइड, भाई को देंगे गाड़ी कि 2-3 लोग ही हैं जिनको मैंने अपनी गाड़ी दी है भाई ड्राइव करने के लिए। पिछली बार बलिनो भी भाई ने चलाई थी, भाई पे पूरा ट्रस्ट है मुझे। कसौल गए थे जब हम, तो चलिए देखते हैं आगे आगे चलते हैं। अंदर कैसे लग रहा है? अंदर तो बढ़िया यार, स्पेस भी सही है। स्पेस सही है ना, छोटी के हिसाब से गाड़ी के हिसाब से बहुत बढ़िया, बहुत स्पेस है। और पीछे थोड़ा क्रिम्प है
पीछे देखी हो ना, ना, ये वाली बट ये है कि हाँ मतलब सिटी सिटी के लिए गाड़ी ठीक है, सिटी के लिए ठीक है, लॉन्ग के लिए तो अभी नहीं है। लॉन्ग के लिए सिर्फ दो दो बंदों के लिए, दो बंदे जा सकते हैं। दो बंदे आराम से यहाँ से चाहे दिल्ली जाओ, कोशिश करेंगे एक बार यहाँ से दिल्ली ले जाने की। अच्छा अभी दिल्ली लेके नहीं गया, दिल्ली नहीं गया मैं, यहाँ धनौल्टी तक ले गया हूँ। धनौल्टी का देखा, तो धनौल्टी तक तो पहुँच गई थी, आ भी गई थी। और जिस दिन मतलब मैंने गाड़ी अगले दिन चार्ज करी थी, क्योंकि रीजनरेशन उस दिन मतलब 10% रीजनरेशन था। अच्छा। फुल ऑन फुल, तो अगले दिन इसकी रेंज थी 243। अभी जैसे अभी की आज के नॉर्मल डेज में इसकी रीजनरेशन आएगी 250 235 240 रेंज, लेकिन उस टाइम रीजनरेशन इतना बढ़िया हुआ था उस दिन कि गाड़ी को ये सेंस होने लग गया कि गाड़ी ऐसी इसी उस पे चलती है प्लेटफॉर्म। तो कुछ अब अजीब सा नहीं लगता कि यार स्टीयरिंग उधर है? हाँ कभी कभी, जैसे जैसे कल मैं ऐसे चला रहा था तो मेरा ऐसे हुआ कि यार सेकंड गियर चाहती है गाड़ी, में ऐसे मारने लगा, लेकिन यहाँ कुछ था ही, यहाँ कुछ था ही। लेकिन भाई इसमें बड़ा ईज है, मैं मत वैसे मजा तो उसी में आता है। अच्छा अगर देखा जाए तो मतलब किसके लिए सही है, जो फर्स्ट टाइम लर्न कर रहे हैं, जो नया सीख रहे हैं चलाना, उनके लिए ये बेटर है या वो गियर वाला बेटर है? भाई देखो सीखनी तो गियर वाली सी चाहिए, सीखनी गियर वाली सी चाहिए ना, क्योंकि आपको ओवरटेक का थोड़ा पता चल जाता है। आप अचानक से ये चलाना स्टार्ट करोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा यार कितना एक्सीलेटर देना है। उससे आपको एक्सीलेटर गियर क्लच सब कुछ पता चल जाता है। अब ये बाद में जब आप सीख लो तो आप स्विच कर सकते हो भाई। जैसे अब क्या है, ज्यादातर देखेगा ऑटोमेटिक वही लेते हैं, मतलब 30+ या 35+ जो आपको लगता है यार अब प्रॉब्लम लग गई, हाँ खींचनी नहीं है, मजा तो मैनुअल में आता है। पहाड़ में तो मैनुअल में मजा आता है, बट इनमें इसमें क्या प्लस पॉइंट है, पहाड़ में उतरते हुए एक कांस्टेंट ब्रेक लगता रहता है तो उससे रीजनरेट होता लगता है और फिर उससे रेंज बढ़ जाती है। ये पॉजिटिव है इसका, जब तक स्टेशन वगैरह भी नहीं बने तब तक जो है। हाँ तब तक तो यार घर से ही है, घर का ही है, बाकी एक बार स्टेशन बनने लग जाएंगे तो तब ठीक रहेगा। क्योंकि मेनली तो अभी किधर है, यहाँ से जाते हुए हरिद्वार, हरिद्वार में, रुड़की में, देहरादून में मेन इनके जो अपने हैं एम जी के हैं, फिर डायरेक्ट दिल्ली या बीच में किधर होंगे एक आध, फिर डायरेक्ट दिल्ली में, जिस हिसाब से होना चाहिए। हाँ ज्यादा होने चाहिए थे, है ना, ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि जैसे वहाँ स्टॉपेज अच्छे खासे हैं, हाँ, वहाँ एक आध स्टॉपेज नहीं है, वहाँ बढ़िया स्टॉपेज है, बढ़िया स्टॉपेज के हिसाब से होना चाहिए था उधर। पहले तो ब्रेक दबा के रखो, ठीक है, ठीक है, अब इसको डाउन कर दो, वहाँ रेडी दिखा रहा है, गाड़ी ऑन है। अच्छा गाड़ी ऑन है, अरे बिजली का पता नहीं चलेगा ना, ठीक है, अब इसे घुमाओ ड्राइव पे, बस अब छोड़ दो और एक्सीलेटर, बस ये है खेल, बस बस इतना ही, बस इतना ही, इतने में गाड़ी आगे तक चलते हैं टोल तक। ये है भाई बहुत सिंपल फंडा है बड़ा, कोई कैसा लग रहा है? एक तू एक्सीलेटर छोड़ थोड़ा सा, तेरे को पता चलेगा एक बैक सी आ रही, हाँ तो बस मैं तो यही यूज़ करता हूँ, मैं ब्रेक बहुत कम कर दिया मैंने यूज़। अच्छा, और जब मैं वो होंडा सिविक चलाना स्टार्ट करता हूँ तो साला कभी मैं ब्रेक डालना भूल जाता हूँ, मैं एक्सीलेटर छोड़ जाता हूँ, इंजन छोड़ चल नहीं रही, ये रुक क्यों नहीं रही भाई ढंग से? सही है यार बिल्कुल। कैसे लग रही? बढ़िया चल रहा है क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कुछ कर ही नहीं रहे हो तुम, मतलब बढ़िया। अपना गाने वाने सुनो, बैठो, मौज मस्ती करो, हाँ यार वाली टेंशन नहीं। मैं थोड़ा सी ना ये चलाने के बाद मेरे को ऑटोमेटिकली थोड़ी सी रिस्पेक्ट जाग गई ईवी के प्रति, ईवी नहीं ऑटोमेटिक के प्रति, ऑटोमेटिक के प्रति कि भाई यार सही है, यार सही चीज है, ये होना चाहिए, ये सही चीज है बिल्कुल, अपना आराम से मौज मस्ती करके चलो। अच्छा जितनी गाड़ी जैसे चलाने चलाओ पिछली, तो एक भाई लिख रहा भाई एक हाथ से क्यों चल, अरे यार हम चल जाता है एक हाथ से भाई, काम हमारा गियर वाले में चलाते हैं एक हाथ से। हाँ तो भाई इधर आ गए हम आगे टोल पे, यार ये बीच में कर दे रहे हैं बिल्कुल। हाँ अब मैं बताता हूँ, उसका भी एक रीजन है। हाँ इनने बोला भाई कभी कभी होता है कि हॉर्न बजाते बजाते ना कभी इम्पैक्ट होता है, तो आदमी का हाथ इस पे रहता है और एयर बैग खुलने पे सीधे
मुंह पे, तो उन्होंने इधर कर दिया कन्वीनियंस पे। हाँ हॉर्न है, इम्पैक्ट होता है, लेकिन वो बहुत टाइट है उधर पे। यार ये आ गए हम डोए वाला के टोल पे, यूटर्न है, यूटर्न है, आगे से यूटर्न ले ले, नहीं देंगे हमें टोल। आज बस हल्का ब्रेक लेके रखना और कुछ, बस हल्का बस, और जो है गियर डाउन करना पड़ता है। गियर डाउन, हाँ भाई गियर डाउन, और गियर डाउन, फिर क्लच दबा के रखो थोड़ा थोड़ा रखो, क्लच तो गायब, क्लच का ली तो सिस्टम ही गायब हो गया। तो भाई कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत सही यार, मस्त है ना। हम सोच रहे थे यार मैक्स भी ले सकते हैं, वाली क्या बोलते हैं नेक्सॉन, नेक्सॉन, बट फिर वो है कि यार बिजली है भी ढंग से डेवलपमेंट हुई नहीं नेक्सॉन का, फिर 20 लाख की गाड़ी, फिर भी तुम्हें कहीं ना कहीं रुकना है उतना ज्यादा, तो इससे बढ़िया है सिटी के लिए ले लो, सिटी के लिए लो, सिटी के लिए बहुत सही चीज है। पूरा सही है, मजा आ रहा है, मजा तो है, मजे तो है भाई। और सबसे बढ़िया की गाड़ी बंद नहीं हो रही कहीं, गाड़ी बंद होने का कोई मतलब ही नहीं है, सबसे बेस्ट वही है, गाड़ी गाड़ी चलती रही, गाड़ी चलती रही। तो भाई अभी हम चल रहे हैं क्रॉस रोड मॉल के सामने, बिस्तरों, मस्त जगह है चिल करने। भाई आए हैं काफ़ी दिन बाद, थोड़ा आओ भगत करते हैं भाई की। हमारा भी जाना नहीं हुआ रुद्रप्रयाग, अब थोड़ा भाई जब थोड़ा जून एंड तक बढ़िया फ्री होंगे तब जाएंगे। जून मिड में ही हो जाऊंगा फ्री यार, मिड में ही हो जाऊंगा मैं, तो मिड में तो यहाँ वाला मारेंगे ना। फिर जब तू वहां जाएगा तब मैं उधर आ जाऊंगा, तब उधर तब मानेंगे कुछ, तब लेके आते हैं का चंटर पंटर को। हाँ, साथ साथ में। इधर हो गई हमारी पेट पूजा, अब करते कोई काम दूजा, काम दूजा। तो भाई चले थोड़ा भाई को काम है वो कंप्लीट करते हैं, तो इधर ही ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड टिल नेक्स्ट ब्लॉग, टाटा बाय बाय, टेक केयर।